हाई ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल देवीनाथ स्टूडियो आर्ट। आज हम फ्रूट एंड नट मिल्क ओट्स बनाने का तरीका देखेंगे। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हमारा वजन कम करने के लिए रोल्ड ओट्स सहायता करेंगे। फ्रूट एंड नट मिल्क ओट्स बनाने के लिए स्टोव में आधा लीटर दूध को उबालिए। मैं उबले हुए दूध लिया था, इसलिए मैं तुरंत एक कप ओट्स डाला है। आप फ्रेश दूध लिया तो दूध उबलने के बाद एक कप ओट्स डालिए। रोल्ड ओट्स 10 मिनट तक धीमी आंच में उबालिए। मैं इस रेसिपी में रोल्ड ओट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहिए तो इंस्टेंट ओट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोल्ड ओट्स खाने से वजन कम होता है। बीच में मिलाते रहिए, वरना जल जाएगा। ओट्स उबलने के बाद स्टोव बंद करके पूरा ठंडा होने दीजिए। थोड़ा देर के बाद गाढ़ा होगा। ये रेसिपी के लिए मैंने 5 वेराइटी फ्रूट्स लिया है, सभी को काट कर बाजू में रख दिया है। ओट्स ठंडा होने के बाद 3 बड़े चम्मच शहद डालकर मिलाइए। चाहिए तो आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ ओट्स थोड़ा गर्म होने के समय डालकर मिलाना है। शहद या गुड़ मिला हुआ ओट्स बाजू में रखिए। अब सर्विंग ग्लास या बाउल या जग लेकर उसमें 1 चम्मच रोल्ड ओट्स डालिए। अब उसके ऊपर कटे हुए एप्पल को डालिए। आप किसी और फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल लेयर के ऊपर और 1 चम्मच रोल्ड ओट्स डालिए। अब इसके ऊपर कटे हुए पियर को डालिए। इस तरह आप 1 लेयर ओट्स और 1 लेयर फ्रूट्स डालकर भर लीजिए। अब इसके ऊपर मैं कटे हुए सीडलेस ग्रेप्स डाला है। उसके ऊपर और 1 चम्मच रोल्ड ओट्स डालिए। फिर इसके ऊपर कटे हुए इलायची केला डाला है। आप सादा केला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर से 1 चम्मच रोल्ड ओट्स को स्प्रेड कीजिए। उसके ऊपर अनार का बीज टॉप कीजिए। इसके ऊपर और 1 चम्मच रोल्ड ओट्स से स्प्रेड कीजिए। फाइनली मिक्स ड्राई फ्रूट्स से टॉपिंग कीजिए। इस रेसिपी में इस्तेमाल किया हुआ सभी फ्रूट्स से भी गार्निश कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक बाउल में उबले हुए ओट्स, कटे हुए फ्रूट्स, शहद और ड्राई फ्रूट्स डालकर सभी अच्छे से मिलाकर खा सकते हैं। लेकिन ये मेथड से खाने में इंटरेस्ट आएगा। बस इतनी आसानी से हम हेल्दी एंड डिलीशियस फ्रूट एंड नट मिल्क ओट्स बना सकते हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो अपने चैनल देवीनाथ स्टूडियो आर्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। Have a great day. Keep smiling and make others smile. Bye-bye.